गाइस, मैं हूं उदय राजवीर सिंह और अभी हम आए हैं मातोश्री जया बहन हिम्मतलाल शाह चैरिटेबल ट्रस्ट के पास। मैं बताना चाहता हूं लोगों को अवेयर करने के लिए कि 10 साल से पिछले 10 ईयर से हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है मातोश्री जया बहन हिम्मतलाल शाह ट्रस्ट, जो लोग अनप्रिविलेज होते हैं जिनके पास थोड़ा पैसों की कमी होती है या जो राशन नहीं ले पाते, 10 साल से एवरी फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ सिंस 10 ईयर्स हम लोग उनको कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज को, 350 फैमिलीज, 400 फैमिलीज हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके। सो अभी 350-400 फैमिलीज़ की हेल्प कर पा रहे हैं, जिसके अंदर हम राशन प्रोवाइड करते हैं। जो सिंगल बंदा है उसको हम देते हैं सपोज 10 kg का राशन, ताकि उसका पूरे महीने का गुजारा हो सके। और जो 4 बंदों की फैमिली है उसे देते सर 20 kg का राशन हर फैमिली को। तो मैं सर मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करके पूछना चाहता हूँ कि आपको ये 10 साल के सर से जुड़े हुए हैं, तो आपके अंदर लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा अवेयरनेस क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहला तो ये जो ट्रस्ट है 400 लोगों को अनाज देता है हर महीने के पहले संडे, डेली ओल्ड एज वाले को फ्री होम डिलीवरी टिफिन देते हैं। हम लोग एक फ्री डायलिसिस हॉस्पिटल फरवरी महीने में चालू कर रहे हैं 2019 में। उसके सिवा हम लोग एजुकेशन हेल्प, मेडिकल हेल्प, 50,000 बच्चों को बुक्स और 250 बच्चों को फीस, और एवरी सैटरडे रोड पे बच्चों नीडी पीपल उनको रोड पे खाना खिलाते हैं 1500-1600 बच्चों को। ये ट्रस्ट 100 जन की एक टीम वर्क है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं राइट आउट ऑफ इंडिया घूमने लगे माता से जाए चैरिटेबल ट्रस्ट का हिस्सा हूँ। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने इनकम का 5 या 10% कुछ भी डोनेट करना चाहिए और धार्मिक काम में, सोशल काम में और समाज के लिए वापरना चाहिए। भगवान ने जो अपने को जो दिया है अच्छे काम में अगर यूज करेंगे तो डबल रहेगा, प्लस भगवान का आशीर्वाद भी अपने साथ रहेगा। और अच्छा काम करने से मन को जो शांति और सुकून मिलता है वो मतलब कोई भी काम ही जाएगा तो नहीं मिलता है। कोई दिखावा नहीं है, हम चाहते हैं कि लोगों को, जनता को महसूस हो, पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और लोगों को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम में जुड़े, सोशल वर्क करें, ताकि अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। और कुछ ये बहुत अच्छी, एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग है कि मैं आज इनके साथ खड़ा हूँ। हमारा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और ब्राइट वाले सर जो है हमारे योगेश लखानी जी, उन्होंने मिलके और जो भी इनके सहयोगी है 100-200 लोगों की जो टीम है, इन्होंने एक नया हॉस्पिटल बनाया है जो अगले महीने से फेब की 10 या 12-15 तारीख से 2019 के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर होगा किडनी डायलिसिस सेंटर। किडनी डायलिसिस सेंटर के अंदर हम भाई हमारे पास 20+ बेड्स है, जिसके अंदर हम किडनी डायलिसिस देंगे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल फ्री है और 24,000 लोग का साल में डायलिसिस होगा। पूरे साल के अंदर 24,000 पीपल आर गोइंग टू बी ट्रीटेड विद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की कृपा है हम लोगों के ऊपर, तो हम इतनी हेल्प कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूं कि एक बार इनका दिखा दीजिए जो हमारा आने वाला प्रोजेक्ट है, आप थोड़ा आगे आ सकते हैं या जूम कर सकते हैं। सो दिस इज अपकमिंग डायलिसिस सेंटर एंड योगा बेसिकली मातोश्री जया बहन हिम्मतलाल शाह चैरिटेबल ट्रस्ट इन एसोसिएशन विद ब्राइट आउटर प्राइवेट लिमिटेड, जो है योगेश लखानी जी हमारे साथ खड़े हैं। एंड ये फर्स्ट फ्लोर अभी हमने फिलहाल लिया है। कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे कि आप लोगों को आशीर्वाद दें, आप लोगों का सहयोग रहे, तो हम ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स लें और अलग अलग जगह पे और जहाँ लोगों को जरूरत है, जो लोग नीडी है उनकी हेल्प कर सके। चाहे अभी सर हम फीस प्रोवाइड कर रहे हैं 250 लोगों की या ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा ये कृपा रही कि हम लोग ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़े और हम ये किडनी डायलिसिस सेंटर को फेब के अंदर इसका निर्माण हो जाएगा। और कोशिश दुआ करेंगे कि हम ऐसे आने वाले टाइम में और मेहनत करें और भगवान अच्छे काम में साथ में ही है। जो स्टार्ट किया था, जीरो से चालू किया था, अच्छा फ्लोर आज ले चुके हैं, तो हो सकता है कि आगे जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये चीज हो रही है तो अच्छा बिल्डिंग बनाना भी बहुत इजी हो जाएगा। आपको एक बस छोटी सी स्टार्टिंग करनी है। वो कहते ना, मैं तो अकेला ही चला था मंजिले, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। सो हम सब ये मिलके कारवा बन चुका है और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे हम लोगों के साथ जुड़िए। नहीं जुड़ना चाहते तो लेकिन आप अपना ऐसा कुछ ना कुछ जरूर सोशल कॉज कीजिए। इसमें अगर आपको डोनेशन करना है तो भावेश भाई करके है जो एक ट्रस्टी है मेन, और इनका चिक्कूवाड़ी में परम बिल्डिंग में नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोरीवली में लिंक रोड के बाजू में बोरीवली वेस्ट में इनका ऑफिस है। बोरीवली वेस्ट चिक्कूवाड़ी नियर SBI बैंक। सो वहाँ पे है हमारे सर कौन से? भावेश भाई साहब है। मैं इसमें नंबर जोड़ दूंगा हर जगह मेरे सोशल मीडिया पे जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उसके अंदर नंबर डालूंगा भावेश जी का। रिक्वेस्ट है अगर आप जितना भी, चाहे 50 पैसा हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी जो मन से हो आप अपना सहयोग कीजिए। या मेरे को योगेश लखानी ब्राइट आउटडोर या ब्राइट जो मैं इनके नाम पे ट्रस्ट के नाम पे दे सकता हूं, या ब्राइट आउटडोर मीडिया बहुत फेमस है, कभी भी उनके ऑफिस में आइए। सर बिल्डिंग क्रेशन बिल्डिंग टावर
लिंक रोड अंदर क्रेसेंट टावर लिंक रोड अंधेरी वेस्ट अपोजिट इंफिनिटी मॉल और ये इनकम टैक्स में बात है जो ऑफिशियली ट्रस्ट है लीगल ट्रस्ट है जो जिसका पैसा डेफिनेटली सर डेफिनेटली लीगल ट्रस्ट है योगेश सर जुड़े हुए हैं और सब लोग जानते हैं आप गूगल भी कर सकते हैं तो हम बस ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसे सहयोग करें हमें चैरिटी करना चाहे चैरिटी करें या फिर आप अपना ऐसा कुछ चैरिटेबल लेकिन ऐसा सोशल अवेयरनेस करता रहे सो ब्रिंग द चेंज टू द सोसाइटी दिस इज द राइट टाइम बी द चेंज एंड लेट्स मेक इंडिया प्राउड थैंक यू वेरी मच तो सर हमें थोड़ा सा जानना चाहते हैं हम 10 साल से कर रहे हैं सिंस 10 इयर्स वी आर डूइंग इट हर संडे पहला संडे हम क्या करते हैं सर मतलब थोड़ा मैं लाउड बोलता हूँ क्योंकि जो सिंगल बंदा है उनके लिए हाफ किट देते हैं जो पूरा मंथ उनका राशन चलता है पूरे मंथ का राशन देते हैं एंड जो चार जने हैं उनके लिए 20 किलो करेक्ट जो द पीपल ऑफ फोर द फैमिली वो फोर हम देते हैं उनको 20 केजीज का राशन जिसके अंदर उनको पूरा मंथ का गुजारा चले और अगले महीने वो फिर से आए संडे को और अपना फिर से राशन लेकर उनका डेट फिक्स रहता है सो महीने वो लोग प्री डिसाइडेड डेट में आ सकते हैं एक डेट फिक्स होती है और हर मंथ वो आते हैं और अपने घर का राशन लेके जाते हैं ये 10 साल से ब्राइट सर हमारे अच्छा ट्रस्ट मातोश्री मातोश्री मातृश्री जया बेन हिम्मत हिम्मत चैरिटेबल ट्रस्ट इन एसोसिएशन विद ब्राइट आउटडोर योगेश सर एंड ये सर बहुत अच्छा बॉस कह रहे हैं मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे एंड थैंक यू सर आपने मुझे इन्वाइट किया एंड मैं इतने सारे लोग अभी सब कवर करूँगा एंड इन सबसे भी बात करेंगे एवरी मंथ हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना ही कोई पेड एडवर्टाइजमेंट है कुछ भी नहीं है ये सिर्फ अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि प्लीज़ जो लोग किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो आगे बढ़िए और हेल्प करें सहयोग करें क्योंकि अगर आपको भगवान कुछ दे रहा है तो आप बांटोगे उतना ही बढ़ेगा दुनिया में बहुत ज़रूरत है अच्छाई फैलाने की सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू क्या हो रहा आपको मैम कितने टाइम से आ रहे हैं एक साल आ रहे हैं हर महीने आ रहे हैं तो आपको अच्छा राशन मिलता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती एकदम हाइजीनिक साफ सुथरा होटल और आप बाकी लोगों को भी जुड़वाना चाहते हो यहाँ पे कि जिन लोगों को जरूरत हो वो लोग यहाँ पे जुड़े और आप लोग लोगों को कहते हैं कि हमारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इतना बड़ा बने कि अभी हम 350 फैमिलीज को दे रहे हैं हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम जितने से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें उनके साथ करें राइट तो आप लोगों को बोले कि प्लीज़ हम लोगों के साथ जुड़ें और हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट मातोश्री जया बहन हिम्मतलाल शाह चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ें और ऐसे ही हम कोशिश करें कि अच्छा काम करते रहें करेक्ट थैंक यू सर आप कब से आ रहे हैं एक साल आपको भी एक साल हो गया तो आपको एवरी ईयर महीने का पहला जो संडे आता है तो यू टेक योर राशन आप एक दिन एक जने का लेते कितने जने का लेते हैं आप एक जने का लेते हैं पूरा चल जाता है चार जने का आपको पता है 10 साल से चल रहा है आप एक साल से जुड़े हो तो थैंक यू सो मच आप प्लीज़ आते रहिए यू मोस्ट वेलकम आप कब से आ रहे हैं माता जी कितना तीन चार साल हो गया थोड़ा सा तेज बताइए आप तीन चार साल से यहाँ पर आ रहे हैं और आप मुझे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है इनका खाना जो भी अपना राशन प्रोवाइड करते हैं तो ये हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि ताकि हम लोगों को दिखाएं कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ लोग जुड़े और बड़ा सा बड़ा हम सोशल अवेयरनेस कर सकें अभी हम 300 400 500 फैमिलीज का कर पा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा राशन बांट सकें ताकि कोई भी खाली पेट ना सोए या जिसको कोई ज़रूरत है वो उसकी पूरी हो करना चाहता हूँ कि हमारा एक किडनी डायलिसिस सेंटर भी आने वाला है
वो आने वाले एक महीने या कुछ बहुत कम समय के अंदर खुलने वाला, ताकि हम ताकि किडनी जिनको प्रॉब्लम होती है हम उनकी भी हेल्प कर सकें, या जो भी अभी उनकी पॉलिसीज आएगी, कोशिश ये है कि वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर ही आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें और कम से कम दामों में डायलिसिस हो सके उनका, कम से कम दामों के अंदर, ऐसे दामों में कि बहुत कम दाम हो ताकि उनकी जान बच सके और उनको किडनी और की डायलिसिस हो सके। कुछ लोगों को तो खाली एक रुपये में डायलिसिस होगा, एक सर्टन नंबर तक, मतलब ओनली 1 रुपीज स्टार्टिंग होगा और इतना जुड़े ताकि हम जुड़े। मैंने कहा ना और टू बेड प्रति आवे इसमें और लोगों को हंसता खुशता करके भेजे। अच्छा, मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैंने अभी भी आगे दी कि हम इस आने वाले एक महीने के अंदर अंदर या उससे भी पहले एक किडनी डायलिसिस सेंटर खोलने वाले हैं। खोल दिया है सर, खोल दिया है, भोपाल सिटी यहाँ आए थे। करेक्ट, कहा था कि आप फ्री मत दो, कुछ न कुछ लोवेस्ट उसकी रकम 1 रुपीज और सम अमाउंट, वेरी नाइस। बस बस, तो आदमी लोग ना और ज्यादा जुड़ेंगे। बोले बहुत कम पैसा है सब। चाचा जी, वो डायलिसिस सेंटर हो चुका है, एक महीने के अंदर उसका विधिवत ओपनिंग होने वाला है, ताकि वो जो किडनी डायलिसिस की जो प्रक्रिया है जिससे परेशान लोग है, उसको कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी के साथ उसको अपन अच्छा कर सके, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और ये कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे लोग जुड़े, ये हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपको खुश। हेलो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं? एक साल हो रहे आपको आराम से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? टाइम पे हमेशा सब कुछ, क्वालिटी वाइज कोई खाने की कोई क्वालिटी वाइज कुछ प्रॉब्लम? बहुत अच्छी। तो आप ऐसे आशीर्वाद दीजिए हम सब इन सब सारे कार्यकर्ता को और दुआ कीजिए कि हम इससे ज़्यादा और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और आंटी आने वाले ऑपरेशन में आएगा और वो बताना चाहते हैं कि भगवान ना करे कभी किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम हो या कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, कि हम चाहते हैं कि हम उनका इलाज कर पाए बहुत कम से कम दामों में। ऑलमोस्ट अभी उसका डिसाइड हो रहा है, डाइट भी हो सकता है 1 रुपये हो या हो सकता है 5 रुपये हो या हो सकता है 100 रुपये हो, लेकिन इतने कम दामों में या आगे जो भी पॉलिसीज बनती है हम दुआ करेंगे कि आप हम लोगों को आशीर्वाद दो और आप लोगों को बताइए जो हमसे लोगों से जुड़ पाए, भले से भले लोग और जुड़ पाए ताकि हम इसको ज़्यादा एक अच्छी सोशल कॉज पर लेके जा सकें। थैंक यू सो मच। I'm not going to go.